सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए नए अपडेट। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एलओसी पाक के कारोबारी नहीं नई दिल्ली। भारत सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया है कि 19 अप्रैल से नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं होगा। ऐसी सूचना थी कि पाक के द्वारा इस रूट का एक इस्तेमाल भारतीय हथियार और नक्सली दवाओं को भेजने के लिए किया जाता है। अब इस रूट के द्वारा पाकिस्तान से 4 दिन ही व्यापार होगा हफ्ते में। मिशेल की जमानत अर्जी खारिज नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मिशेल ने ईस्टर फेस्टिवल मनाने के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर ईडी और सीबीआई ने कहा है कि मिशेल कस्टडी में भी रहते हुए ईस्टर मना सकता है। दिग्विजय के खिलाफ उम्मीदवारी पर मचा घमासान, अब चुनाव में स्वस्थ कैसे, उनके कुकर्मों की हूँ प्रमाण प्रज्ञा भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के भाजपा से उतरने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ित निषाद अहमद सैयद बिलाल ने महाराष्ट्र की विशेष अदालत में याचिका दायर कर प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत मिली थी। अगर जेल में रहने के लिए वह अस्वस्थ हैं तो चुनाव लड़ने के लिए स्वस्थ कैसे हो सकती हैं। मडावी की हत्या के मास्टरमाइंड समेत 2 नक्सली ढेर, दत्तेवाड़ा। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में भाजपा के विधायक भीमा मडावी के काफिले में हमला करने का मास्टरमाइंड भी शामिल था। नक्सली एसीएम वर्गीस पर 5 लाख का इनाम था। जस्ट डायल से लीक हो गया 10 करोड़ लोगों का डेटा नई दिल्ली। जस्ट डायल के 10 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियां ऑनलाइन लीक हो गई है। इसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक, जन्म तिथि और यूजर के पते शामिल हैं। चुनाव के बाद गिर सकता है रुपया, 8 बार पहले भी हो चुका है ऐसा नई दिल्ली। भारतीय रुपया पिछले 3 महीने में एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि आम चुनाव के बाद रुपये में गिरावट देखने को मिली है। अब देखना यह है कि इस बार भी रुपया गिरता है या अपनी जगह स्थिर रहता है। आंधी तूफान और ओलों से बिगड़ी आलू की सेहत नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में आंधी तूफान में आलू की फसल और संग्रहण पर पानी फेर दिया है। मानसून पूर्व बारिश और गर्मी के चलते किसानों ने मंडियों में आपूर्ति भी कम कर दी है। पिछले 3 महीने में दूसरी बार ओले गिरे हैं, जिससे बड़े स्तर पर फसलें भी खराब हुई हैं। देश में 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स नई दिल्ली। देश में फोन उपभोक्ता की संख्या फरवरी अंत तक बढ़कर 120.5 करोड़ हो गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों में बताया कि मुख्य रूप से रिलायंस जियो और सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों की BSNL के ग्राहकों की संख्या बढ़ने से आंकड़ा बढ़ा है। चीन में ई कॉमर्स वेबसाइट बंद करेगी अमेजोन ब्रीजिंग। अमेजोन 18 जुलाई से चीन में ई कॉमर्स वेबसाइट बंद करेगी। कंपनी ने गुरुवार को कहा है कि चीन में उनकी वेबसाइट amazon.in पर वहां के विक्रेताओं को सेवाएं मुहैया नहीं कराई जाएगी। बाहरी विक्रेता अपने उत्पादन बेचना चाहते हैं तो अमेजोन ग्लोबल सर्विस की सेवा ले सकते हैं। फिल्म पट कथा से कम नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर भी एक फिल्म पटकथा की तरह ही रोचक हो गई है। पहले इसकी रिलीज तारीख 12 अप्रैल सामने आई थी, फिर निर्माताओं ने इसकी रिलीज की तारीख 1 हफ्ता पहले यानी कि 5 अप्रैल कह दी। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ी पार्टियों के चुनाव में फायदा लेने और आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देकर विरोध शुरू कर दिया। पहले मामला हाईकोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस दौरान निर्माताओं ने रिलीज डेट 11 अप्रैल कह दी। सुप्रीम कोर्ट से तो मंजूरी मिल गई, परंतु चुनाव आयोग ने रिलीज की तारीख पर रोक लगा दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज आमिर को जगह नहीं, सरफराज करेंगे नेतृत्व नई दिल्ली। ICC विश्व कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी सरफराज अहमद को दी गई है।
तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि आमिर विश्व कप के पहले इंग्लैंड से खेले गए मुकाबले में सीरीज में जरूर खेलेंगे। अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाएंगी क्रिस्टीना वाशिंगटन। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच के अभियान की अवधि में विस्तार होने के साथ ही अब वह अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिन बिताने नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। किसी महिला का अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया यह सबसे अधिक समय होगा। मैसूरी श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर रथ यात्रा। मैसूरी श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में गुरुवार को रथ यात्रा उत्सव मनाया गया। इस दौरान निकाली गई रथ यात्रा में हजारों लोगों ने रथ खींचकर मन्नत मांगी। टिकटॉक ऐप को स्टोर से हटाने का आदेश, नई दिल्ली। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर भारत में रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने गूगल और एप्पल को नोटिस जारी करते हुए अपने अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले से डाउनलोड ऐप भी काम नहीं करेंगे। मुस्लिमों से वोट अपील, केस दर्ज बिहार। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बिहार में प्रवेश के दौरान मुस्लिमों के एकजुट हो वोट की अपील कर मुश्किलों में फंस गए हैं। उनके खिलाफ कटिहार में आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।